जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू स्टडी इन आज़रबैजान है और आज हमारे पास मेहमान है, ये मिस माहीन है और ये एजुकेशन के हवाले से आज़रबैजान में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि बहुत से हमारे दोस्त हमसे पूछते हैं कि मैं किसी लैंग्वेज कोर्स में दाखिला लेना चाहता हूँ या मैं तिब यूनिवर्सिटी, जिसे मेडिकल यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसमें एडमिशन लेना चाहता हूँ या मैं किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता हूँ, तो उसका क्या प्रोसीजर है और बेसिक मेथड क्या है। तो इस हवाले से आज हमने दावत दी है मिस माहीन को। इनके साथ हम बात करेंगे आज़रबैजानी लोकल लैंग्वेज में, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बीच में आपके लिए ट्रांसलेशन भी कर दूँ ताकि आसानी रहे। सबसे पहले चोक सावल खुश गाल दिनीज बिजे बिरज मालूमात वेर सिस के आज़रबैजान दा तलबालार नेजा तहसील आला बिलनार जहमत उलमा सब। Azərbaycanda xarici tələbələr üçün stadim.azerbaycan.edu.az deməli veb saytı mövcuddur ki, burada xarici tələbələr məlumat əldə edə bilərlər. Bunun başqa portal.edu.az veb saytı var. Buradan tələbələr qeydiyyatdan keçir. Bəli. Sonra əvvəl qeydiyyatdan keçirlər, sonra Kurs seçirler. kurs seçirlər. Ondan Ondan sonra sonra kabul universitetlər maddi. qəbul olmaq barədə Maktub yani. sənəd göndərir, məktub göndərir. Sonra tələbələr asan viza ilə Azərbaycana gəlib ödəniş edir. Sonra miqrasiyadan oturmalılar və Oldu. yerləşirlər. Lapiyaşı. Siz dedi ki iki tane burada site var. Study in Bəli, Azerbaijan, bir bəli. tane education portal. ये हमने अपना वीडियो में पहले आपको बताया है कि एक तो वेबसाइट है स्टडी इन आज़रबैजान .az के नाम से, और दूसरा जो है एजुकेशन पोर्टल है। आप पोर्टल पे सबसे पहले रजिस्टर्ड होते हैं और उसके बाद आप कोर्स सिलेक्ट करते हैं। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आपने आपको यूनिवर्सिटी एक लेटर भेजती है जिसे ऑफर लेटर कहा जाता है। ये ऑफर लेटर लेकर और वीज़ा लेकर आप आज़रबैजान आते हैं। आज़रबैजान आने के बाद आप यहाँ पर फीस पे करते हैं और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन के साथ है, आपका जो स्टूडेंट TRC है, जिसे स्टूडेंट रेजिडेंस कहते हैं, वो अप्लाई करते हैं। माहिन खानम, बू कुर्स लार मुद्दत तखमीनन नगद रोल, यानी कि आलती आई 6 ay olur, 9 ay olur, 12 ay olur. Bu yani 6 aydan tutmuş 12 aya Evet, doğru. kadar var. Ondan sonra yani ki bunların ödeniş ne kadar olur? 1000-1200 dolar arası Min olur. 200 dolar arası. Yani aylara göre, aylar müddetine göre olur. Lapyaşın. ये कोर्स ड्यूरेशन जो है 6 महीने का होता है, 9 महीने का होता है और 12 महीने का। और इसकी जो फीस है, जैसे कि हम अपनी वीडियो में पहले बता चुके हैं, तकरीबन $1,000 से $1,200 तक यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। बुना अलावा अगर हांसी बिर कुर्स लारा यानी हाजरली कुर्स लारदन अलावा हांसी बिर तहसील आलमक मुमकिन दे आज़रबैजान। Universitetlərdə təhsil almaq बल mümkündür. Tibb təhsil almaq var, tip məsləki təhsil de olar, mühəndislik təhsil almaq olar, mühendisliği olar. yəni tibb. आज़रबैजान में अगर आप मेडिकल की तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है और इसके साथ साथ बहुत से लोग जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं या PhD करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। आज़रबैजान दा अमूमियतला यूनिवर्सिटी लारन बी रिली उदानिश तखमीनन नगद रोलर यानी तखमीनन दिया मिन बिल 200 डॉलर यानी मिन 200 डॉलर दन तुतमिश इच्छुज उच्च मिन दुर्द मिन डॉलर अगर असल देखे मुहंदिसली को फिर हाँ लारसा या तिब यूनिवर्सिटी दा तहसील अलग आल लारसा हर बिर यूनिवर्सिटी आयरे। दोनों आयरो ओडानिश ओलुर अलावा दा बुर्दा ओजेल यूनिवर्सिटीलार दा वार यानी दौलत यूनिवर्सिटीलार दा बेले अलावा। हम özel hem devlet üniversiteler var. Deməli, təhsil hem Azerbaycan hem Rus dilinde olur. Tip universitetlerinde eğer hariciler gelirse bu zaman ingilizce təhsil ala bilərlər. Lap yaxşı.
आज़रबैजान में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और उसके अलावा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी हैं। आप इंजीनियरिंग में एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं या मेडिकल की तालीम लेना चाहते हैं तो दोनों तरह की तालीम यहाँ पर अवेलेबल है। आज़रबैजानी लैंग्वेज में भी है, रशियन लैंग्वेज में भी है और उसके साथ साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में भी तालीम हासिल कर सकते हैं। अलावा द थलबल आर बुर्द हांसी यर द गाल में के यानी हॉस्टल वार या तो खानालार वार हर गाला बिलल है। Universitetin yataqxanalarında da qala bilərlər və istədikləri yerdə də yəni yerləşə bilərlər də. Yəni universitetlər bunu Olur. təşkil edir. इन्होंने बताया है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेते हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी के अलग से हॉस्टल्स भी हैं, लड़कियों के लिए भी हैं, लड़कों के लिए भी हैं। उसके साथ साथ वो अपना प्राइवेट हॉस्टल्स में भी रह सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की रहाइश पसंद करते हैं। अगर आप शेयरिंग में रहना चाहते हैं तो हॉस्टल में भी रह सकते हैं या आप इंडिविजुअल अपना घर लेकर भी रह सकते हैं। उमूमियतला बीर आई द थलबालार नेगदर खर्च चेकर तखमीनन बु यमेक ना गाल मेक बीर यर द इक्यूज उच्यूज मनाद द इदारा इलिया बिलर लार बीर आई रात भी चेकर द तखमीनन इक्यूज उच्यू एक महीने का तकरीबन 200 से 300 मनात खाने और रहाइश का खर्चा है। ये मिस ने हमें कंफर्म किया है। हमारी बहुत सी डिटेल में बात हुई है, हमने अपनी वीडियोस में आपको इस हवाले से इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन करवाने का मकसद ये था, इनका फेस टू फेस बात करने का मकसद ये था कि जो रियल इंफॉर्मेशन है, ऑन ग्राउंड इंफॉर्मेशन है, वो आप तक पहुँच सके। और अगर आप आज़रबैजान में एडमिशन लेना चाहते हैं और यहाँ पर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो सपोज करें यहाँ के बेनिफिट्स क्या है। एक तो जो कोर्सेज हैं, अगर आपकी तालीम मैट्रिक है तो ये यहाँ पर आप कबूल हो सकते हैं या रजिस्टर्ड हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और तीसरा, अगर हम कहें यहाँ पर कि जो एज का बैरियर होता है हमारे यहाँ, स्टडी गैप जिसे कहा जाता है, वो इश्यूज़ यहाँ पे आपको फेस नहीं करना पड़ेंगे। आप आसानी के साथ, अगर आपकी तालीम मैट्रिक है और आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है और आपकी एज जो है 40-45 साल या 50 साल भी है तो आप दाखला ले सकते हैं। आज़रबैजान में एडमिशन सितंबर में और जनवरी में होता है हर साल, और इस वक्त भी एडमिशन जो है वो हो रहे हैं। उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। मैं सीधा तशक्कर ले रहा हूँ, तशक्कर लार मिन्नत दार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत शुक्रिया।